मैं नाजायज, मेरे पे जुलूम है, तो मैं ये वीडियो के जरिए आपको बोल रहा हूँ, मैं कफन लेके बैठा हूँ, जहाँ बोले वहाँ आ जाता हूँ, बारकस की मस्जिद के आओ बोले आ जाता हूँ, जहाँ बोले आ जाता हूँ, आप लोग मार दो मेरे को, आप ही दफना दो, मैं बोली मारो को मर्डर कर दो, हम कफन लेके रेडी है, मारना चाह रहे ना, जहाँ बोले वहाँ शख्स बहुत अकेला फिर रहा, मार दो तुम लोग, बस अल्लाह है, अल्लाह बदला लेगा सबसे, तुमों की प्लानिंग से प्लानिंग करने वाला ऊपर वाला है, ऊपर वाला बदला लेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया खुदा भी, औलाद हूँ मैं, और मेरे बाप सियासत करते थे मेरे बाबा, और मैं सियासत करता रहूंगा, कोई वीडियो बनाने से कोई सोशल वर्क करने से मेरे को नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे साथ अल्लाह है और मेरे माँ बाप की दुआ है, चाहने वालों की दुआ है। वीडियो थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, मगर मैं तकलीफ में हूँ, सच बता रहा हूँ, देखने वाले देखो। मैं तो कमिश्नर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि हक करे, वर्मा साहब से भी मेरी गुजारिश है कि देख, मैं कफन ला लिए हुआ हूँ, तुम लोगों को मरवाने की जरूरत नहीं है 10 लाख रुपए दे के किसी को, मैं कफन ला लिया पूरा, मैं बंदोबस्त करके हूँ रख लिया, बारकस की जामा मस्जिद के आगे ठहरो बोले तो ठहरता हूँ, अगर बाजार में ठहरो बोले तो ठहरता हूँ, कोई मारना चाह रहे मेरे को तो मार लो, मगर मेरे पे फॉल्स केस बुक नहीं करो, फॉल्स केस कंप्लेंट कर रहे हैं कमिश्नर साहब, हम 2017खबरनामे को पेश करदा अलमनान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मान आपका MKTV चैनल में खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, जैसे कि आप वाकिफ है कि सोशल मीडिया में कल से शेख सईद बावजीर की कत्ल की खबर चल रही है। नाजरीन, शेख सईद बावजीर आखिर कौन था, आखिर ये क्या करता था, ये तमाम तर चीज़ें एक कॉमन मैन के जहन में चल रही है। तो मैं आपको ये बता दूं कि शेख सईद बावजीर अक्सर जलपल्ली, शाहीन नगर, महेश्वरम कॉन्स्टेंसी और दीगर ऐसे कई मसाइल पर आवाज़ उठाने वाले शख्स का नाम शेख सईद बावजीर था। शेख सईद बावजीर ने अपनी ज़िंदगी में कई ऐसे मसाइल को उठाया जिसमें खबरस्तान, उस्मान नगर, जलपल्ली स्कूल और कई ऐसे मसाइल थे जिसकी वजह से शायद वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को चुभने लगा था। शेख सईद बावजीर ने आज से 1 साल कबल ही अपने साथ कफन और अबीर और दीगर सामान जो तदफीन का होता है उसके साथ एक वीडियो बनाई थी जिसके चंद झलकियां हम आप तक पेश कर रहे हैं। नाजरीन, वाज रहे कि जिस तरीके से शेख सईद बावजीर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए उन गरीब और मासूम के मसाइल को बताता था, जो लोग अपनी आवाज़ से अपने मसाइल को नहीं बता सकते, वो लोग शेख सईद बावजीर को उन इलाहजात में बुलाते और कहते थे कि हमें ये मसाइल है। शायद एक नया शेख सईद बावजीर पैदा होगा, मगर आवाम फिर एक बार 2 दिन के बाद ये शेख सईद बावजीर को भी भूल जाएगी। और आज जिस तरीके से शेख सईद बावजीर की फोटोस और वीडियोस सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहे हैं वो फिर आगे ना दिखे, मगर शेख सईद बावजीर ने जो जिंदा दिली से अपने खिदमात को अंजाम दिया है, MKTV चैनल की पूरी टीम भी उसे खिराज अकीदत पेश करती है और साथ ही साथ अल्लाह से दुआ करती है कि अल्लाह ताला उसके मगफरत करे और उसके दर्जात को बुलंद करे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अब्दुल रऊफ की ये रिपोर्ट MKTV चैनल के लिए। नाज़रीन, मैं फिर एक बार आपसे अपील करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। Pakistan! 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 Pakistan!
पुलिस की गाड़ी